मोहन ने उठाई बंदूक। पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ ड्रामा। कामयाब हुआ मोहन और गुनगुन का भागने का प्लान। जी टीवी के सीरियल राधा मोहन में असल में मोहन जेल में बंद है। उस पर लगाया गया है दादी के मर्डर का इल्जाम, लेकिन असल में तो ये मर्डर युग ने किया है। ऐसे में गुनगुन वहाँ पहुँचती है अपने पापा के पास और बताती है कि राधा युग के कब्जे में है। असल में मोहन ने ये इल्जाम लिया है गुनगुन को बचाने के लिए, लेकिन उसे युग के काले इरादे भी पता है कि वो राधा के साथ कुछ भी कर सकता है। वो इंस्पेक्टर से करता है मिन्नते उसे छोड़ने की, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मोहन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना फड़फड़ाना फड़फड़ा ले, लेकिन एक बात समझ ले कि दो दिन तक तू हमारे पास ही है। कोर्ट बुलेगा मंडे और पेशी होगी तेरी, तभी शाम को करेंगे तेरी पूरी खातिरदारी एकदम कसूते वाली। शान से मार दूंगा मैं बता रहा हूँ उसे। तो पहले हाइट बॉडी का देख ले उसकी, जिसको तू मारने की बातें कर रहा ना, तीन तीन खून का इल्जाम है उस पे। पर हेत के तो सिर पे की ठोक के मार दी इसने। मैंने परी दादी का एक्सीडेंट कर दिया। मैंने नहीं किया है, योग अंकल ने किया है, बट मेरे ऊपर नाम है, इल्ज़ाम है उनका। वही पुलिस हमारे पीछे भाग रही थी बहुत दिनों से, मुझे अरेस्ट करने का देख रही थी, पापा को अरेस्ट करने का देख रही थी, बट अब फाइनली वो लोगों ने पापा को अरेस्ट कर लिया है। और दूसरी जगह रामा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, हमें रामा को भी बचाना है, पापा को मुझे भी बचाना है, लाइक हर जगह, और मनन को भी बचाना है प्लस, तो हर जगह से मुश्किल ही मुश्किल है। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी जब पुलिस इंस्पेक्टर ने मोहन की बात नहीं सुनी, तो मोहन ने बनाया प्लान। जेल में बंद अपने साथी कैदी पर किया उसने हमला, जिसके बाद पुलिस वाले सलाखों के अंदर आ गए। ऐसे में मोहन को मिल गई गन, जो कि दी उसकी बेटी गुनगुन ने। बस फिर क्या था, मोहन ने पुलिस वालों पर तान दी बंदूक और वहाँ से 9-2-11 हो गया। मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, पर कभी कभी कुछ सही करने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ता है सर। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, मेरे लिए यही सही है सर। इस गलती की मुझे जो सजा मिल जाए मैं सह लूंगा, लेकिन अगर मेरी राधा को छोड़ी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अजीत फूफा जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पापा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और राधा वहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो हमें जैसे उनको बचाना है तो यहाँ हम पापा ने प्लान बनाते हैं कि वो जो उनके साथ जो रहता है क्रिमिनल, वो उसका पान लेते हैं, उसका जूस बनाते हैं, तो वो एकदम लाल बन जाता है लाइक खून टाइप। तो सब सबको प्रैंक नहीं बोलेंगे, लाइक डराते हैं कि मतलब मैंने सच में खून कर दिया है। तो वो जब जेल का दरवाज़ा खोलते हैं, फिर हाथापाई होती है, फिर पुलिस गन ढूंढने के लिए जेब में हाथ डालता है तो गन नहीं रहती, और मैं बोलती हूँ अंकल आप जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। भाई इतना बड़ा तमाशा कर मोहन जेल से भाग तो गया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या मोहन राधा को युग से बचा पाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इस लिपस्टिक की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।